अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। लखनऊ महापंचायत में टिकैत बोले, हम जाने वाले नहीं हैं। एमएसपी पर बात करे सरकार। वही योगेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में बंगाल वाला इंजेक्शन लगाएंगे। राजधानी लखनऊ में सोमवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें लखीमपुर हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मंच पर हिंसा में मृत किसानों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लगी है, इसका इलाज भी है और जनता ही करती है। बंगाल ने छोटा सा इंजेक्शन दिया था, अब सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और वह उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। साथ ही टिकैत ने कहा कि पीएम कहते हैं कि एमएसपी पर हमने कमेटी बनाई, लेकिन झूठ बोलते हैं। 2011 में कमेटी बनी थी, उस समय नरेंद्र मोदी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। तब रिपोर्ट दिया था कि एमएसपी बने, आज भी पीएमओ में वह रिपोर्ट है। अब अपने ही रिपोर्ट को पीएम मोदी लागू करे। 1967 में 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना मिलता था, आज भी 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमने संघर्ष विराम की कोई घोषणा नहीं की है, यह घोषणा उन्होंने की है। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मंडियों को बेचा जा रहा है या देश को बेचने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे। एक साल में जितने घटनाक्रम हुए उस पर बात करे सरकार। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि एक साल में जितने भी घटनाक्रम हुए उन पर सरकार बात करे और एक स्पष्ट पत्र जारी करे। ये आज देश की संपत्ति, मंडियों की जमीनों को बेच रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा। ये आंदोलन एक साल से चल रहा है। ये आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानून पर नहीं है, इसके साथ एमएसपी और बिजली अमेंडमेंट बिल भी है। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उन किसानों का क्या हो जो आंदोलन में शहीद हो गए। शहीद किसानों के लिए स्मारक बनवाया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी को बर्खास्त किया जाए। सरकार से टेबल पर बैठकर बातचीत के बाद ही घर वापसी होगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे हूंकार इंडिया।